रिकॉर्डिंग स्टार्ट। हाँ, तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन। क्लास में, लाइव क्लास में आप लोग का स्वागत है। तो आज का जो क्लास होने वाला है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और आप लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखिएगा। कुछ आपको हिस्ट्री पता चलेगा लाइट के बारे में, ठीक है। जो लाइट है ना, लाइट हमारे पास, जो सन से हमारे पास लाइट आता है, इसके पीछे इस पे बहुत ज़्यादा स्टडी किया गया और इस पे बहुत ही ज्यादा डिस्कस किया गया और एक बेसिकली कहानी बन गया ये लाइट का, ठीक है। तो आज हम लोग को पढ़ना है लाइट का कहानी या लाइट की कहानी, ठीक है। समझ रहे हो सभी? कोई सुनाई दे रहा है? हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट की कहानी, तो आप लोग भी चाहे तो हेडिंग डाल सकते हैं लाइट की कहानी। हाँ, स्टूडियो लाइट। लाइट की कहानी स्टार्ट करें क्या? कहानी सुनना तुम लोगों को पसंद है कि बोरिंग लगता है? अच्छा लग, इंटरेस्टिंग कहानी है तो अच्छा लगता है, अदरवाइज बोरिंग लगता है। नहीं, चलो इंटरेस्टिंग ही है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से समझते हैं। देखो, ये जो लाइट है ना, ध्यान से समझना सभी को, माइक ऑफ करना, जिसको भी प्रॉब्लम होगा पूछना। ये जो लाइट है, ये बेसिकली इस पे बहुत झगड़ा हुआ, लाइट के ऊपर बहुत झगड़ा हुआ कि भाई लाइट आखिर है क्या। कोई बोलता है कि सर लाइट जो है वो पार्टिकल्स नेचर का है, कोई बोलता है लाइट जो है वो वेव नेचर का है। बहुत बहुत सारे ऐसे फेनोमिना हैं जो सेटिस्फाई करता है कि लाइट इज अ वेव नेचर, लाइट जो है वो वेव नेचर को सपोर्ट करता है। बहुत सारे ऐसे फेनोमिना है, आप लोग पढ़े भी हैं 9th-10th में, लाइक रिफ्लेक्शन पढ़े हैं आप लोग, पढ़े ना रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन पढ़े होंगे आप लोग, इंटरफेरेंस पढ़े होंगे। तो ये सब जो फेनोमेना है ना, जो रिफ्लेक्शन होता है, हम लोग अपना इमेज को देखते हैं, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, वो बेंट कर जाता है, रिफ्रैक्शन होता है, तो ये भी इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। तो ये सब जो फेनोमेना है, ये वेव नेचर को सपोर्ट करता है। ये किसको सपोर्ट करता है? वेव नेचर को। और कुछ ऐसे भी फेनोमेना है हमारे कोर्स में, या हमारे हम लोग स्टडी किए हैं, ऐसा कुछ फेनोमेना है जो सपोर्ट करता है कि लाइट जो है वो एक पार्टिकल्स नेचर है, लाइट जो है वो पार्टिकल्स बिहेवियर को शो करता है, ठीक है। मतलब दोनों, बहुत कंफ्यूजन है इसमें, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है कि लाइट आखिर है क्या। लाइट को हम वेव माने एक वेव, या लाइट को हम एक पार्टिकल्स माने, इसके पीछे का हिस्ट्री हम आज आपको बतलाएंगे कि क्या क्या कहानी हुआ था और कहाँ से ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कहानी इस थ्योरी का, जो कि दिए फर्स्ट थ्योरी जो दिए न्यूटन, ठीक है। फर्स्ट थ्योरी लाइट के ऊपर जो सबसे पहले बात किए, फर्स्ट थ्योरी ये कौन बात किए? न्यूटन। सभी कोई नाम तो सुने होंगे, नाम तो सुने होंगे है ना? अरे सुने हैं कि नहीं? हाँ, नाम तो सुने होंगे, न्यूटन। न्यूटन सर जो थे, ये बोले कि लाइट जो है ना, ये अपना एक थ्योरी डेवलप किए, इनके थ्योरी का नाम था, हम नाम यहाँ पे बताते हैं आपको, कॉर्पस कूलर थ्योरी। कॉर्पस कूलर थ्योरी, ये बेसिकली आप क्लास 12th में पढ़िएगा। कहाँ पढ़िएगा? क्लास 12th में, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्लास 12th में एक ऑप्टिक्स चैप्टर होगा बेसिकली, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें बेसिकली ये क्या किए, एक कॉर्पस क्यूलर थ्योरी दिए। सबसे पहले कौन आए कहानी में? सबसे पहले आए न्यूटन, याद रखिएगा। सबसे पहले न्यूटन आए, 1600 ईस्वी में आए थे, ठीक है। और ये बोले कि लाइट जो है ना, लाइट उस पे एक थ्योरी दिए। कौन सा थ्योरी दिए? कॉर्पस क्यूलर थ्योरी। और बोले लाइट इज अ कॉर्पस सेल्स, लाइट जो है वो एक कॉर्पस सेल्स है, कॉर्पस सेल्स। कॉर्पस सेल्स का मतलब होता है बेसिकली डिस्क्रीट पार्टिकल्स, डिस्क्रीट पार्टिकल्स, पार्टिकल्स, डिस्क्रीट पार्टिकल्स, मतलब एक पार्टिकल्स नेचर को ये थ्योरी सपोर्ट कर रहा था। न्यूटन्स का जो पहला थ्योरी था, जो कि लाइट पे सबसे पहले चर्चा किया गया, वो
वो थ्योरी क्या था, उस थ्योरी का नाम कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। और ये थ्योरी किसको सपोर्ट कर रहा था, ये थ्योरी सपोर्ट कर रहा था कॉर्पस्क्यूल को। कॉर्पस्क्यूल का मतलब होता है लाइट का पार्टिकल्स नेचर को दिखलाना, लाइट का किस नेचर को दिखलाना, पार्टिकल्स नेचर को। यानी कि हमको ये समझ में आ रहा है कि जो न्यूटन्स का थ्योरी है ये पार्टिकल्स नेचर को सपोर्ट कर रहा है। पहले बताओ ये बात समझ में आया आप लोग को, बताइए सभी को सुनाई दे रहा है, बोलिए। हाँ, लाइट जो है वो बेसिकली पार्टिकल से बना हुआ है, उस पार्टिकल्स को फोटोन्स बोले। ये जो कॉर्पस्क्यूल्स था ना, कॉर्पस्क्यूल्स, इसको वो फोटोन बोले, फोटोन जो कि एक पार्टिकल्स है। ये पार्टिकल्स बिहेवियर को दिखलाता है, लाइट के किस बिहेवियर को दिखलाता है, पार्टिकल्स बिहेवियर को दिखलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस कहानी में आए न्यूटन और एक कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी दिए और बोले कि लाइट जो है एक कॉर्पस्क्यूल है, यानी कि एक पार्टिकल्स है, और ये पार्टिकल्स नेचर को सपोर्ट किए। बहुत बढ़िया। तो इनका बात बहुत सारे साइंटिस्ट को पसंद नहीं आया, बहुत सारे साइंटिस्ट बोले कि नहीं भाई, हम तो इनको नहीं लाइक करते हैं भाई, इनसे हमको झगड़ा चलता है, हम इसके मेरा और न्यूटन का जो है वो 36 का आंकड़ा है भाई, ठीक है, हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम कुछ दूसरा थ्योरी लाएंगे लाइट के ऊपर। तो सेकेंड कहानी जो आया, कहानी में जो सेकेंड आदमी आए, सेकेंड पर्सन जो अपना थ्योरी लेके आए, उसको बोला जाता हाइजेन सर, हाइजेन, हाइजेन ये आए दूसरे आदमी। और ये क्या किए ना, ये सपोर्ट किए किसको भाई, ही सपोर्टेड वेव नेचर। ये जो हाइजन सर आए हैं ये वेव नेचर को सपोर्ट कर दिए, बोले कि नहीं न्यूटन जो बोल रहा है वो सही नहीं है, वो गलत है, लाइट जो है वो वेव नेचर शो करता है, लाइट जो है वो एक वेव का कैरेक्टरिस्टिक को बतलाता है। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को, ये सपोर्ट कर दिए वेव पार्टिकल्स, मतलब वेव नेचर के बारे में सपोर्ट कर दिए। ठीक है, हाइजन सर जो थे वो वेव नेचर के बारे में सपोर्ट किए, और ऑब्वियसली अगर सपोर्ट करते हैं तो हमको कुछ ना कुछ तो रीजन देना पड़ेगा, तभी तो मेरा बात दुनिया वाला मानेगा। तो ये भी अपना दो तीन एक्सपेरिमेंट किए और दोनों तीन एक्सपेरिमेंट को बतलाए। कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट था इनका, ये वेव नेचर को सपोर्ट किए, जैसे कि ये बताए रिफ्लेक्शन के बारे में, ये बताए रिफ्लेक्शन के बारे में, ये बताए रिफ्रैक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो फेनोमेना है, इस फेनोमेना से हम लोग को पता चलता है कि लाइट जो है वो एक वेव नेचर शो कर रहा है। लाइट जो है वो कौन सा नेचर शो करता है, वेव नेचर शो करता है। न्यूटन सर बहुत बड़े साइंटिस्ट फिजिक्स में, तो मतलब बहुत ही, समझिए, समझ रहे हो तुम लोग फिजिक्स में कितना बड़ा इनका योगदान है। तो ये बोले भाई पार्टिकल्स नेचर, लाइट जो है वो फोटोन से बना हुआ है, ठीक है, कॉर्पस सेल्स उसका नाम दिए। हाइजन सर आए, हाइजन सर बोले कि नहीं लाइट जो है वो वेव नेचर को सपोर्ट करता है, लाइक रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अभी इन दोनों में हो गया झगड़ा, इन दोनों में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। क्या यहां तक आप लोग को समझ में आया हम क्या बोले? सभी को बोल दीजिए यहां तक समझ में आया? गणेश, मनीष, सब तुम लोग भी बोलो। मनीष सुन रहे हो मेरा आवाज? हाँ तो बोलो ना, यहां तक क्लियर है? हाँ चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना लाइट की कहानी में, लिखना इस बात को। सबसे पहले आए न्यूटन्स, वो एक कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी दिए, बोले लाइट जो है वो एक पार्टिकल्स नेचर को दिखलाता है। सेकंड आए हाइजन सर, जो कि सपोर्ट की किसको, वेव नेचर को सपोर्ट की, और बोले लाइट जो है वो एक वेव नेचर को शो करेगा, लाइक रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हाँ मनीष, क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ हाँ, ये आप लोग ले लिए स्क्रीनशॉट। हाँ ठीक है भाई, अब न्यूटन, अब फिर इस दोनों में झगड़ा हो गया। तो झगड़ा जब हुआ तो कहानी में एक तीसरा आदमी आ गए, थर्ड पर्सन आ गए, मैक्सवेल।
ये अपना एक लेके आ गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक थ्योरी। पता है मैक्सवेल कौन सा थ्योरी दिए थे, याद ना? याद करो, बताए थे जब रदरफोर्ड का ड्रॉबैक बतलाए थे उस टाइम बताए थे मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। हाँ, तो ये वही मैक्सवेल है। ये अपना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी लेके आए एंड ही ऑल्सो सपोर्ट द वेव नेचर। वेव नेचर ये भी किसको सपोर्ट कर दिए, वेव नेचर को। बोले कि भाई मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है बहुत ही फैंटेस्टिक है भाई, हम सब कुछ बतला सकते हैं। जो भी सन से हमारे पास लाइट आते हैं वो जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करता है, डिफरेंट डिफरेंट तरह का रेडिएशन करता है, डिफरेंट डिफरेंट रे मिलता है, लाइक रेडियो एक्टिव रेडिएशन है ना, एक्सरे, गामा रे, अल्फा रे, तो बहुत सारे तरह का रेडिएशन को बतला रहे थे और वो एक मैग्नेटिक थ्योरी को बतला रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे, और वो सपोर्ट कर दिए कि लाइट जो है वो वेव नेचर का ही है। यानी कि हाइजन सर एंड मैक्सवेल ये दोनों किसको सपोर्ट कर दिए, नेचर, वेव नेचर को, वेव नेचर को सपोर्ट कर दिए। समझ में आ रहा है बात? हाइजन, ये जो हाइजन थे वो और मैक्सवेल, ये दोनों वेव नेचर को सपोर्ट कर दिए। अब न्यूटन साहब तो अकेले पड़ गए, वो तो बोल रहे थे पार्टिकल्स नेचर होता है, न्यूटन साहब तो अकेले पड़ गए। तो न्यूटन साहब को सपोर्ट करने के लिए प्लैंक्स आ गए, प्लैंक्स, फोर्थ पर्सन। बहुत ही घमासान युद्ध चला था, युद्ध नहीं चला था, मतलब कि बहुत भयंकर डिस्कस हुआ था इस पे, बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक था ये। तो एक आए मैक्स प्लैंक, मैक्स प्लैंक्स, और ये अपना एक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी करके ले आए, क्वांटम थ्योरी, ठीक है। मैक्स प्लैंक्स आए और ये कौन सा थ्योरी लेके आए, क्वांटम थ्योरी, फोर्थ पर्सन, और ये सपोर्ट किसको कर दिए, ये सपोर्ट कर दिए पार्टिकल्स नेचर, पार्टिकल्स नेचर। समझ में आ रहा कि बात है, समझ में आ रहा ना? यानी कि अब तो झगड़ा अब इक्वली हो गया, न्यूटन एंड प्लैंक दोनों बोल रहे थे कि लाइट जो है वो पार्टिकल्स नेचर का है, हाइजेनबर्ग, हाइजेन सर एंड मैक्सवेल, हाइजेन एंड मैक्सवेल। हाइजेन सर का क्या था थ्योरी, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन, इसके बारे में वो बतलाए और बोले कि वेव नेचर का है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है मैक्सवेल दिए थे वो भी बोले थे वेव नेचर का। मतलब आप इक्वली हो गया, दो आदमी सपोर्ट कर रहा है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को, दो आदमी सपोर्ट कर रहा है कि लाइट जो है वो वेव नेचर का होगा, मतलब वेव नेचर के लिए भी दो आदमी और पार्टिकल्स नेचर के लिए भी दो आदमी। समझ में आ रहा ना? तो बहुत भयंकर डिस्कशन होने लगा। फिर इसमें आइंस्टीन आए, आइंस्टीन, आइंस्टीन का भी आप लोग नाम सुने होंगे, आइंस्टीन का नाम सुने ही होंगे, सुने है ना? आइंस्टीन जो थे वो क्वांटम थ्योरी को क्या कर दिए, सपोर्ट कर दिए, मतलब पार्टिकल्स नेचर को सपोर्ट कर दिए। आइंस्टीन का एक थ्योरी है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, आप लोगों को पता होगा E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो वो जो एम सी स्क्वायर है वो बेसिकली एक पार्टिकल्स नेचर को बतलाता है कि लाइट जो है वो एक पार्टिकल्स नेचर है, लाइट पार्टिकल्स से, पार्टिकल्स का मास होगा, एम जो होता है वो मास होता है, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जो एम है वो क्या है, डिस्क्रीट पार्टिकल्स का मास है। तो वो भी किसको सपोर्ट कर दिए, वो भी पार्टिकल्स नेचर को सपोर्ट कर दिए। यानी कि क्वांटम थ्योरी जब आया था उसके 2-3 साल 4 साल के बाद आइंस्टीन क्या किए, आइंस्टीन ये क्या किए, पार्टिकल्स नेचर को सपोर्ट कर दिए, बोले कि नहीं पार्टिकल्स नेचर का ही होता है भाई, लाइट जो है वो पार्टिकल्स नेचर का है, और कुछ लोग बोल रहे थे कि लाइट जो है वो वेव नेचर का है। तो देखो कितना ज्यादा कंफ्यूजन हो गया। हाँ मनीष, कुछ बोल रहे हो क्या? थ्योरी दे देते थे, थ्योरी, अगेन वही बात है ना, सपोर्ट, देखो हम किसी को सपोर्ट करेंगे लेकिन सपोर्ट करने के लिए हमको, हमको अगर पूछेगा कि भाई आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम बताएंगे ना कि देखिए इनका जो रीजन है वो मेरे, वो सेम रीजन मेरा भी है, हम भी ये एक्सपेरिमेंट किए, हमको भी पता चल रहा है कि लाइट जो है वो पार्टिकल्स नेचर का है, ठीक है। तो बेसिकली एक्सपेरिमेंट के आधार पे कोई किसी को सपोर्ट करता है, ऐसा पॉलिटिक्स नहीं चल रहा है कि अरे हम तो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं चलता है, ठीक है ना। एक थ्योरी के आधार पे, एक एक्सपेरिमेंट के आधार पे कोई साइंटिस्ट किसी दूसरे साइंटिस्ट को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले साइंटिस्ट न्यूटन पार्टिकल्स नेचर बोल रहे थे, दूसरे आए हाइजन बोले वेव नेचर है, वो क्या बताए, रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी मैक्सवेल जो थे वो भी क्या बोले कि भाई जो
लाइट होता है वो क्या दर्शाता है, एक वेव नेचर को दर्शाता है। फिर अगला क्या है, मैक्स प्लैंक्स यानी कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये किसको सपोर्ट कर दिए, ये सपोर्ट कर दिए पार्टिकल्स नेचर को। उसके बाद आइंस्टीन भी आ गए, आइंस्टीन भी बोले कि नहीं जो लाइट होता है वो पार्टिकल्स नेचर का भी होता है, ठीक है। लेकिन आइंस्टीन थोड़ा सा तेज थे, आइंस्टीन बोले पार्टिकल्स नेचर का भी होता है और वेव नेचर का भी होता है, ये दोनों बात बोले। समझ में आ रहा है कि नहीं, आइंस्टीन थोड़ा सा तेज थे, ये क्या बोले कि लाइट जो है ना वो पार्टिकल्स नेचर को भी शो करेगा और वेव नेचर को भी शो करेगा। और इस चीज को अब यहाँ पे बहुत भयंकर झगड़ा हो गया, दो साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि वेव नेचर का है, दो साइंटिस्ट बोल रहे हैं पार्टिकल्स नेचर का है, तो बहुत ज्यादा झगड़ा होने लगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने लगा कि भाई हम क्या माने, दुनिया वाले को क्या बताया जाएगा। फिर फाइनली फाइनली जो इसमें कूदे इस झगड़ा में, उनका नाम था डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ये बोले, यार तुम लोग इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हो, हाँ इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हो, इतना बड़ा बड़ा लॉ दिए उसमें कभी झगड़ा नहीं किए, और एक छोटा सा लॉ देने के लिए आपको इतना झगड़ा करना पड़ रहा है। दो आदमी बोल रहे हैं पार्टिकल्स नेचर, दो आदमी बोल रहे हैं वेव नेचर, है ना। आइंस्टीन साहब बेचारा दोनों की तरफ है, तो क्या किया जाए। तो इसमें ये क्या किए, अपना दिमाग लगाएं और बोले कि झगड़ा मत करो, हम ना पार्टिकल्स नेचर बोल रहे हैं, हम ना वेव नेचर बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि लाइट जो है, लाइट ये ड्यूअल नेचर है, ड्यूअल नेचर। समझ में आया, ये बहुत तेज थे, तेज स्मार्ट, इसलिए इनका थ्योरी पढ़ा जाता है, ये बहुत ही स्मार्ट थे। डी ब्रोगली बोले कि झगड़ा मत करो, लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर का होता है। जैसे फोन, जैसे मोबाइल में हम लोग दो दो सिम लगाते हैं, है ना, ऐसा हम नहीं बोल सकते कि हम बस जियो का सिम लगा सकते हैं, मेरे मोबाइल में बस जियो चलेगा। ऐसा हम नहीं बोल सकते कि मेरे मोबाइल में केवल एयरटेल 4G चलेगा, हम दोनों सिम यूज कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर। इसी तरह से ये बोले कि डी ब्रोगली बोले कि झगड़ा मत कीजिए आप लोग, लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर का होता है। मतलब ये दोनों बात को सपोर्ट कर दिए, ये वेव नेचर को भी सपोर्ट कर दिए और पार्टिकल्स नेचर को भी सपोर्ट कर दिए, ये वेव को भी सपोर्ट किए और पार्टिकल्स को भी सपोर्ट किए, और यहाँ पे जो युद्ध था वो खत्म हुआ। इस थ्योरी के बाद युद्ध को खत्म किया गया और बोला गया कि ठीक है, आज से हम लोग दुनिया वाले को बतलाएंगे कि लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर, पार्टिकल्स नेचर एज वेल एज वेव नेचर। और ये ऐसे नहीं बतलाएं, इस पे वो स्टडी किए और एसोसिएट किए पार्टिकल्स नेचर को और वेव नेचर को, दोनों को मिला के अपना एक थ्योरी दिए और अपना एक इक्वेशन दिए जो कि 100% सेटिस्फाई हो रहा था कि लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर का होता है। मतलब दोनों कैरेक्टरिस्टिक को ये बतला सकता है, पार्टिकल्स नेचर को भी बतला सकता है और वेव नेचर को भी बतला सकता है इनके थ्योरी के अनुसार, और ये 100% करेक्ट है। क्या ये बात आप लोगों को लाइट का कहानी समझ में आया, बोलिए। नहीं आया, बोरिंग लगा, समझ में आया ना। हाँ, तो न्यूटन से स्टार्ट हुआ था और डी ब्रोगली पे खत्म हुआ। न्यूटन आए, वेव पार्टिकल्स नेचर बोले, हाइजेनबर्ग आए, इनका पूरा नाम हमको नहीं पता है, वो आप देख लीजिएगा। हाइजन आए, वो सपोर्ट कर दिए किसको, वेव नेचर को। मैक्सवेल आए, वेव नेचर को। प्लैंक्स आए, पार्टिकल्स नेचर को। आइंस्टीन आए, बोले दोनों। आइंस्टीन तो बहुत तेज थे, बोले दोनों हो सकता है, नहीं अपना थ्योरी नहीं बताएंगे, दोनों हो सकता है, ठीक है। फिर फाइनली डी ब्रोगली आए और इस झगड़ा को सॉर्ट आउट किए और बोले कि लाइट जो है इसके पास दोनों कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, वेव नेचर भी हो सकता है और पार्टिकल्स नेचर भी हो सकता है। क्या ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा, एक बार सभी को बोल दीजिए। अगर आप लोग लिखना चाहेंगे तो ये लिख लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से अपना कंटिन्यू क्लास। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हम लोग अपना क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ये कहानी जानना इंपॉर्टेंट था, ये इसलिए इंपॉर्टेंट था कि इसमें दो तीन को टर्म है जो कि हम लोग को पढ़ना है। पहला कि डी ब्रोगली के बारे में पढ़ना है, इनका थ्योरी के बारे में पढ़ना है। तो आप लोग को एक चीज क्लियर हो गया कि डी ब्रोगली जो है वो ड्यूअल नेचर के बारे में बात की लाइट की, पहला बात। दूसरा बात, ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी हम लोग को अभी पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ना है। तो इसलिए हमको ये थ्योरी बतलाना पड़ा, ये कहानी बतलाना पड़ा, क्योंकि इसमें दो तीन को थ्योरी है जो कि हम लोग को पढ़ना है, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्वांटम थ्योरी एंड डी ब्रोगली, ठीक है।
ठीक है, इसको उतार लीजिए और फिर हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उतार लिए, ठीक हो गया, हटा दे इसको। चल अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से पढ़ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है, और उसके बाद फिर पढ़ेंगे कि क्वांटम थ्योरी क्या था। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है स्टार्ट करें। देखिए ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है। सबसे पहली बात कि देखो जो लाइट है, लाइट, लाइट का कहानी अभी हम आपको बता दिए कि लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर का होता है। फाइनली आपको क्या ध्यान में रखना है, फाइनली आपको ध्यान में ये रखना है कि लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर का है, वेव नेचर भी शो करता है एंड पार्टिकल्स नेचर भी शो करता है। क्लियर है। अब समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये सपोर्ट करता है वेव नेचर को। सबसे पहली बात कि लाइट के ये वेव नेचर के बारे में बताता है, वेव नेचर। अब वेव होता क्या है, वेव का मतलब होता है लहर। वेव का मतलब क्या होता है, लहर। जो समुद्र में तुम लहर देखते हो ऐसे ऐसे जो उठता है ना, अप एंड डाउन मोशन जिसको बोलेंगे है ना, उसको उसको क्या बोला जाता है, वेव बोला जाता है, वेव बोलते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप कभी ऐसा किए हो कि अगर आप कभी गांव गए हो और आपको वहां पे तालाब दिखा हो, तो आप एक स्टोन को उस तालाब के ऊपर फेंके हैं कभी? कौन कौन फेंका है? हाँ फेंके हैं, हम भी फेंके हैं, आप लोग भी फेंके होंगे। बचपन में हम लोग ऐसे खेलते थे, जब भी नानी गांव जाते हैं तो क्या करते थे कि घूमने घूमने के लिए जाते थे तो एक स्टोन लेते थे और मारते थे और बोलते थे कि देखो किसका स्टोन ज्यादा दूर तक जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सभी कोई करते हैं जनरली। तो उसमें एक चीज हम उस समय तो बच्चा थे, कुछ समझ में नहीं आया बचपन में, लेकिन जब बड़ा हुए तो समझ में आया कि जब आप स्टोन को उसमें मारते हैं, उस वाटर के सरफेस के ऊपर जब आप स्टोन को थ्रो करते हैं तो होता क्या है, होता ये है कि स्टोन जो है उस सरफेस से टकराता है और बहुत दूर तक जाता है। और बेसिकली जहां पे वो टकराया, जहां पे वो टकराया वहां पे आपको एक अप एंड डाउन मोशन दिखाई देगा। जहां पे वो जो स्टोन है वो वाटर के सरफेस पे जहां पे टकराता है वहां पे आपको एक अप एंड डाउन मोशन दिखाई देता है। ये जो अप एंड डाउन मोशन है दिस इज कॉल्ड अ वेव, दिस इज कॉल्ड अ वेव। और इस वेव को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव। इस वेव को क्या बोलते हैं हम लोग, मैकेनिकल वेव। जो तालाब में आपको दिखाई देता है वेव जब आप एक स्टोन को थ्रो करते हैं, और वो जो मोशन दिखाई देता है, वो जो लहर दिखाई देता है अप एंड डाउन वाला, उस लहर को, उस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। और ये कौन सा वेव होगा सर, ये होगा मैकेनिकल वेव। यानी कि जो मैकेनिकल वेव होता है उसको एक मीडियम की जरूरत होती है ट्रेवल करने के लिए। जो मैकेनिकल वेव होता है जो अप एंड डाउन मोशन करेगा उसको ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। क्लियर है बात। इसी तरह से जो लाइट है, लाइट जो सन से हमारे पृथ्वी पे आ रहा है, ये भी जब हमारे पास आता है तो एक अप एंड डाउन मोशन करके आता है, एक वेव नेचर को बतलाता है। और ये जो रेडिएशन करता है, जो सेल्फ रेडिएट करता है, सेल्फ लाइट को इमिट करेगा,
ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। अलग अलग फेज में अलग अलग टाइप का रेडिएशन होता है। आपको पता है हमारे अर्थ के ऊपर एक ओजोन लेयर है जो कि क्या करता है, जितने भी अल्ट्रा वायलेट रे होते हैं सबको ऊपर ही रोक देता है, और जितने भी रे होते हैं विजिबल रे होते हैं उसको सबको नीचे आने देता है। तो बेसिकली ये वेव जनरेट कैसे होता है सर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, नाम से क्लियर करो, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन्स लाइक पार्टिकल्स एंड मैग्नेटिक पार्टिकल्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन के बारे में आप बोल सकते हैं, एंड ये मैग्नेटिक का मतलब होता है मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली। जो तुम लोग एक चीज और पढ़ा होगा, चलो इसको थोड़ा और समझाते हैं, इसको थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। क्लास टेंथ में तुम एक चीज पढ़ा होगा करंट चैप्टर में, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल पढ़ा है, सभी को पढ़ा है। हाँ, उसमें क्या होता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स मोशन करता है, यानी कि अगर वो करंट फ्लो हो रहा है, तो जहां पे करंट फ्लो होता है वहां पे दो टाइप के, ध्यान सुनिएगा, दो टाइप के आपको फील्ड दिखाई देते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। याद करो इस तरह का कुछ याद है ना, यानी कि जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा वहां पे आपको दो तरह का फील्ड दिखाई देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से, ध्यान सुनना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से वो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है, वो लाइट ट्रेवल कर रहा है, यानी कि जो प्रोपागेशन होता है, जो लाइट का प्रोपागेशन होता है, वो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर हम डायग्राम से तुमको दिखा के समझाएं तो ध्यान समझना, ये हमारे पास है प्रोपागेशन का मतलब होता है ट्रेवल करना, है ना। लाइट, अगर लाइट इस रास्ते में ट्रेवल कर रहा है इसे, ठीक है, तो इस प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लाइट का प्रोपागेशन होता है बेसिकली। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड माइक ऑफ कर लो कोई यार, किसी का माइक ऑन। हाँ, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इन्फ्लुएंस के वजह से वो लाइट का क्या हो रहा है, प्रोपागेशन होता है। और वो लाइट का जब प्रोपागेशन होता है तो वो अलग अलग वेवलेंथ इमिट करता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी इमिट करता है, जिसके वजह से हमारे पास अलग अलग तरह के रेडिएशन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, लाइक हम आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाए हुए हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में भी क्या हो रहा था, अगर सेकेंड ऑर्बिट पे जा रहा है इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वहां से वापस आ रहा है, तो अलग अलग ऑर्बिट से जब वो रिटर्न वापस आ रहा है अपने इनिशियल ऑर्बिट पे, तो अलग अलग तरह का रेडिएशन करता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी आता है, अलग अलग वेवलेंथ आता है। इसी तरह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब ये परपेंडिकुलर होगा, तो लाइट का जो प्रोपागेशन होता है ना बेसिकली, इस दोनों के परपेंडिकुलर प्रोपागेशन होता है। लाइट का जब भी प्रोपागेशन होता है, इस दोनों के परपेंडिकुलर प्रोपागेशन होता है, तो अलग अलग एनर्जी से वो बेसिकली रेडिएट होता है, अलग अलग वेवलेंथ मिलता है, और अलग अलग क्या मिलता है, फ्रीक्वेंसीज मिलता है, ठीक है। और आप लोग सुने होंगे अल्ट्रा वायलेट रीजन, है ना, एक्सरे, गामा रे, बीटा रे, ये क्यों आ रहा है, ये अलग अलग रेडिएशन की वजह से आ रहा है, ये अलग अलग रेडिएशन की वजह से आ रहा है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, कि जब आप किसी भी लाइट को आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोपागेट करता है और अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज इमिट करता है। क्या ये बात आप लोग को समझ में आया क्या ये बात आप लोग को, बोलिए। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे, लिखिए आप लोग अपने कॉपी में, एक पॉइंट लिखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज जनरेटेड बाय
ऑसिलेशन ऑफ अ चार्ज्ड बॉडी, ऑसिलेशन ऑफ अ चार्ज्ड बॉडी, ऑसिलेशन ऑफ अ चार्ज बॉडी। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज जनरेटेड बाय ऑसिलेशन ऑफ अ चार्ज बॉडी, ऑसिलेशन ऑफ अ चार्ज बॉडी इन अ मैग्नेटिक फील्ड और इन अ मैग्नेटिक फील्ड और इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, क्या लिखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज जनरेटेड बाय ऑसिलेशन ऑफ अ चार्ज बॉडी, ऑसिलेशन ऑफ अ चार्ज बॉडी इन अ मैग्नेटिक फील्ड और इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि कोई चार्ज बॉडी को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक रेडिएशन होता है, वो जो रेडिएशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, समझ में आ रहा बात, लिख लिए ना। हाँ, इसमें सेकंड पॉइंट लिखिएगा, सेकंड पॉइंट लिखिएगा इसमें, दिस कंसिस्ट, दिस कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, these consist of electric and magnetic field that oscillate in the direction, in the direction perpendicular to each other, perpendicular to each other, perpendicular to each other and perpendicular to the direction, and perpendicular to the direction in which the wave is traveling, in which the wave is traveling। क्या बोला गया, बोला गया this consists electric and magnetic field that oscillate in the direction perpendicular to each other। ये जो electric field और magnetic field होता है ये basically एक दूसरे के perpendicular होता है and perpendicular to the direction in which the wave is traveling। और ये दोनों electric field और magnetic field, ये दोनों light जिस direction में perpendicular होगा, जिस direction में light motion करेगा या move करेगा उसके भी perpendicular होगा। मतलब कि अगर इस direction में light move कर रहा है तो इसके perpendicular direction में electric field होगा और इसके perpendicular direction में magnetic field होगा। ये magnetic field हो गया, ये electric field हो गया और ये क्या हो गया, propagation of light, ये क्या हो गया, प्रोपागेशन ऑफ लाइट। ठीक है, और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोपागेट करता है, ऑसिलेट करता है। जस्ट तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो, हम आपको बतलाए भी कि जैसे आप मान लीजिए कि एक स्टोन को अगर आप फेंकते हैं तालाब के अंदर तो वो कैसे ऑसिलेट करता है।
ठीक है, इसी तरह से चार्ज भी है ऑसिलेट करेगा, इसी तरह से दिख रहा है तुम लोगों को। हेलो, हाँ 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 वेव है, वेव वेव है। लाइट लाइट जो है ना वो ऐसे ट्रेवल करता है, लाइट जो है वो ऐसे ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव। उतार लिए, हाँ सेकंड पॉइंट इसमें लिखना है हम लोग को, हम लोग को इसमें सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट लिखना है। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ठीक है, ट्रेवल्स विथ सेम वेलोसिटी एज लाइट दैट इज 3 × 10⁻¹ m/s, 3 लाख किलोमीटर/s। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो ट्रेवल जब करता है कितने स्पीड से ट्रेवल करेगा, उतने ही स्पीड से ट्रेवल करेगा जितने स्पीड से लाइट लाइट ट्रेवल करता है। जो लाइट का जो स्पीड होता है ना, लाइट का जो वेलोसिटी होता है, उतना ही वेलोसिटी क्या बोला गया है, किसका बोला गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बोला गया है। क्लियर हो रहा है बात? हाँ, 3 × 10⁸ m/s है। हाँ अगर किलोमीटर करोगे तो 5 यहां पे आ जाएगा, 10⁵। समझ में आया बात? तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और इसका जो स्पीड होता है वो उतना ही होगा जितना एक लाइट का स्पीड होता है। लाइट का जितना स्पीड होता है उतना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का भी स्पीड होता है। इसको प्रोपागेट करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है, किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। और ये जो प्रोपागेट करता है ये परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के और परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। अब ये वेव नेचर है, लाइट है जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव नेचर को बतला रहा है। तो बेसिकली हम लोग को कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना पड़ेगा वेव के बारे में। तो हेडिंग लगाओ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। वेव का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो होता है वेवलेंथ, वेवलेंथ जिसको हम लोग लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, वेवलेंथ जिसको हम लोग लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है वेवलेंथ? द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जुकेटिव क्रस्ट और ट्रफ, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जुकेटिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ, इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, दो क्रस्ट के बीच में या दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है, कॉन्जुकेटिव का मतलब क्या होता है, लगातार, कॉन्जुकेटिव का मतलब क्या होता है, लगातार, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। लाइक ऐसे समझिएगा,
ठीक है, लाइट ऐसे ट्रेवल कर रहा है, तो जो ये जीरो डिस्टरबेंस ऑफ लाइन के जो ऊपर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट। ये जो आपको वेव दिखाई दे रहा है ना, इस लाइन के ऊपर जो आपको वेव दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट। और इसके जो नीचे दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं, ट्रफ। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए पहला क्रस्ट है, फिर यहां से नीचे आया, ये दूसरा क्रस्ट है, तो इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेमडा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेमडा। इसी को बुलाता है वेवलेंथ। दो कॉन्जुकेटिव क्रस्ट के बीच का या दो कॉन्जुकेटिव ट्रफ के बीच का, ये दोनों डिस्टेंस को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेमडा बोल सकते हैं। क्या समझ में आया ये बात, व्हाट इज लेमडा? हाँ, तो जो दो क्रस्ट के बीच का, जो कॉन्जुकेटिव क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है लेमडा, और ट्रफ के बीच के भी वाले को हम लोग लेमडा बोल सकते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जुकेटिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, उतार लिए इसको, उतार दी भी चलिएगा। अब बात करो इसकी यूनिट की, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट, ये बेसिकली मीटर होता है, लेंथ है ना, क्या है ये, लेंथ। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। लेकिन कुछ कुछ कॉमन यूनिट भी आपको याद रखना है, जैसे एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम भी याद रखिएगा। सबसे छोटा यूनिट होता है एंगस्ट्रॉम, ए नॉट। ठीक है, और बोला जाता है 1 angstrom इज इक्वल टू 10^-10 meter। एक एंगस्ट्रॉम जो है, क्योंकि ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आता है, एंगस्ट्रॉम में रहता है मीटर में आंसर देना पड़ता है, या मीटर में रहेगा एंगस्ट्रॉम में आंसर देना पड़ेगा। तो 1 angstrom इज इक्वल टू 10^-10 meter। नैनोमीटर भी याद रखिएगा, इसका यूनिट नैनोमीटर भी होता है, 1 nanometer, nm, 10^-9 meter। एक नैनोमीटर जो होता है वो 10^-9 meter की इक्वल होता है, और 10 angstrom की इक्वल होता है, 10 angstrom की इक्वल होता है 10 angstrom। ठीक है, और भी यूनिट बतलाते हैं आपको, ये सब यूनिट आपको याद रखना है। अगला है पिकोमीटर, 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 1 pm, 1 pm जो होता है वो 10^-12 meter होता है, 1 pm इज इक्वल टू 10^-12 meter। फेमटोमीटर, 1 fm, 1 fm जो होता है वो 10^-15 meter होता है। तो ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वेवलेंथ, दो कॉन्जुकेटिव ट्रस्ट क्रस्ट और दो कॉन्जुकेटिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है, 1 angstrom इक्वल टू 10^-10 meter, 1 nanometer इक्वल टू 10^-10 meter एंड 10 angstrom। ठीक है, 1 picometer इक्वल टू 10^-12 meter, 1 femometer इक्वल टू 10^-15 meter। क्या यहां तक उतार लिया आप लोग? उतार लिए, बोलिए। हाँ, ये कन्वर्जन याद रखना है आपको, ये कन्वर्जन याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जब बनाएंगे तब काम आएगा। अगला देखिए, अगला जो कैरेक्टरिस्टिक होता है हमारे पास वो है फ्रीक्वेंसी। अगला जो वेव का कैरेक्टरिस्टिक होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी। सेकेंड, फ्रीक्वेंसी, और इसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू ऐसे लिखा होगा, न्यू। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ क्रस्ट, लिखो नंबर ऑफ क्रस्ट और ट्रफ पासिंग, नंबर ऑफ क्रस्ट और ट्रफ पासिंग थ्रू अ पॉइंट, पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 second, इन 1 second इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नंबर ऑफ क्रस्ट और ट्रफ पासिंग थ्रू अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट से, वो जो वेवलेंथ आप देख रहे थे ऐसे ट्रेवल कर रहा था,
ठीक है, ऐसे ट्रेवल कर रहा था, तो नंबर ऑफ क्रस्ट और ट्रफ किसी एक पॉइंट से कितने, एक सेकंड में कितना पास करता है, एक सेकंड में कितना पास करता है किसी भी एक पॉइंट से, है ना, क्रस्ट और ट्रफ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, इसका जो ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट ये होता है हर्ट्ज, हर्ट्ज, ऐसा यूनिट इज हर्ट्ज। ठीक है, याद रखना आपको ये सब बात, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। कॉमन यूनिट की अगर बात कर ले करें अगर कुछ कन्वर्जन की बात करें, तो जैसे किलो हर्ट्ज, 1 किलो हर्ट्ज इक्वल टू हाउ मेनी हर्ट्ज, 10^3 हर्ट्ज। ठीक है, अगला याद रखना मेगा हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, 1 मेगा हर्ट्ज इक्वल टू हाउ मेनी हर्ट्ज, 10^6 हर्ट्ज। ठीक है, माइक्रो, हाँ क्या बोल रहे, हाँ HZ हर्ट्ज। मिली, मिली हर्ट्ज इक्वल टू 10^-3 हर्ट्ज। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, लिख लिए। तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, किसी भी पॉइंट से कितना क्रस्ट पास कर रहा है एक सेकेंड के अंदर, एक सेकेंड के अंदर किसी भी पॉइंट से कितना नंबर ऑफ क्रस्ट और नंबर ऑफ ट्रफ पास कर रहा है, इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो तुम खुद सोचो कि अगर ज्यादा पास करेगा तो क्या वेवलेंथ छोटा हो जाएगा, सोचे तो। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गया, मतलब इस पॉइंट से अगर हम बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा पास कर रहा है नंबर ऑफ क्रस्ट, नंबर ऑफ क्रस्ट बहुत ज्यादा पास कर रहा है, ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी, जो वेवलेंथ होगा, क्या ये छोटा हो जाएगा या क्या ये बड़ा हो जाएगा, बोलो, छोटा हो जाएगा। यानी कि क्या हम बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, बोल सकते कि नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं, है ना, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे, फ्रीक्वेंसी जल्दी जल्दी होगा तो वेवलेंथ छोटा हो जाएगा, अगर वेवलेंथ ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी बहुत धीरे 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 पास करेगा, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो अगर ये प्रोपोर्शनल साइन को हटाओगे तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आएगा, उस कॉन्स्टेंट को बोला जाता है सी बाय लेमडा। तो यहां से एक फॉर्मूला बना, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लेमडा। व्हाट इज सी, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। अरे क्लियर हो रहा है ना, बोल नहीं रहे हो यार तुम लोग क्या, ये मिली, मिली 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 है, हाँ, ये बड़ा का मतलब हो गया मेगा। ठीक है गणेश, सुनाई दे रहा तुमको, बोलता क्या नहीं है, तो फिर तो बेसिकली हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, पहला था लेमडा, दूसरा था फ्रीक्वेंसी, तीसरा है हमारे पास वेव नंबर, तीसरा हमारे पास वेव नंबर, थर्ड इज वेव नंबर। अब वेव नंबर क्या होता है, ये होता है न्यू बार, न्यू बार को हम लोग बोलते हैं वेव नंबर। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, लिख लो, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ। वेव नंबर क्या होता है, न्यू बार, इसको क्या पढ़ेंगे, न्यू बार, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक डैश होगा, उसको न्यू बार पढ़ा जाता है। वेव नंबर क्या होता है, न्यू बार इज इक्वल टू बोला जाता है 1/लैम्डा।
न्यू बार इक्वल टू क्या बोला जाता है, 1 बाय लेमडा। अगर यूनिट की बात करो तो यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स, है ना, या जो भी मीटर का यूनिट होता है उसका इनवर्स कर दो, क्योंकि 1 बाय लेमडा है, लेमडा की यूनिट अगर मीटर होगा तो मीटर इनवर्स हो जाएगा वेव नंबर का यूनिट, ठीक है। वेव नंबर का यूज वहां पे हुआ था जहां पे हम आपको रिडबर्ग फॉर्मूला बतलाए थे। रिडबर्ग फॉर्मूला याद करना, 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू क्या बताए थे, आर जेड स्क्वायर 1 बाय N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 का स्क्वायर, याद है। तो ये जो 1 बाय लेमडा है ये क्या है, वेव नंबर ही तो है, ठीक है। वेव नंबर निकालते हैं कि कितना वेव पास कर रहा है, समझ रहे हो। क्लियर है इतना बात। अब थोड़ा इसके स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये वेव है, अगर ये वेव है तो स्पेक्ट्रम भी बनाएगा, सोचो, अगर ये वेव है तो स्पेक्ट्रम भी बनाएगा भाई। तो इसके स्पेक्ट्रम के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बस नाम याद रखना है ना, बस तुम लोग को नाम याद रखना है, इसका कोई उतना हम लोग को वो नहीं है कि हम लोग को निकालना है, ये बहुत ही हाई लेवल का बात हो जाएगा, ग्रेजुएशन में जाके पढ़ा जाता है हम लोग को। जैसे हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में निकाल रहे थे ना वेवलेंथ, बोलो, वहां पे डिफरेंट टाइप के सीरीज पढ़ रहे थे, लाइमन बाल्मर, यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ना, बस यहाँ पे आपको याद रखना कुछ कुछ नाम, ठीक है। जैसे अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो सिंपली समझो कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोपागेट कर रहा है लाइट, तो डिक्रीजिंग एनर्जी और इंक्रीजिंग एनर्जी, ठीक है, डिक्रीजिंग एनर्जी और इंक्रीजिंग एनर्जी के आधार पे जो वो वेव था उसका एक डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट निकाला गया, इसी अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, लिख लो, द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टाइप, द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टाइप, द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टाइप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, इन द ऑर्डर ऑफ देयर, इन द ऑर्डर ऑफ देयर, इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एनर्जी, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एनर्जी और फ्रीक्वेंसीज, और फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। क्या बोले, द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टाइप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो वेरियस टाइप होगा, मतलब अलग अलग एनर्जी इमिट करेगा, इन देयर ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एनर्जी और फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्योंकि सन से जो हमारे पास लाइट आते हैं वही ये सब चीज बेसिकली दिखलाते हैं, सन से जो हमारे पास लाइट आता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट तरह का स्पेक्ट्रम दिखाई देगा आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिखाई देगा। तो 2-3 को पढ़ लेते हैं हम लोग, नाम याद रखना, बस बोल रहे हैं बार बार, इसका नाम याद रखना है और कुछ ऐसा नहीं है इसमें, ये बहुत ही हाई लेवल में बात किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, तुमको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है ये बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड फ्रीक्वेंसी, बॉन्ड एनर्जी, मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर फाइंड करने के लिए होता है। जो अगर हम बोलते हैं
कि जो मिथेन है मेरे पास CH4, फॉर एग्जांपल हम मिथेन बोलते हैं, मेरे पास क्या है CH4, ठीक है। तो CH4 जो है तो इसके पास चार को बॉन्ड है, ठीक है। इसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, बॉन्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इसके बीच का, इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ वो कैसे हुआ है, समझ रहे हो। और इसका जो स्ट्रक्चर होगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा इस मॉलिक्यूल्स का, तो ये सब चीज बतलाता है हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करवा के ये सब चीज हम लोग फाइंड करते हैं, जो कि आप बहुत ही सीनियर क्लास में जाके पढ़िएगा अगर आप केमिस्ट्री लेते हैं तो। अगर आप केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन कीजिएगा तो आपको ये सब चीज पढ़ाया जाएगा कि ये बहुत ही डिटेल में बेसिकली जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं सबका रिएक्शन वगैरह सब कुछ एक इलेक्ट्रोस्कोपी से दिखा जाता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में ये बहुत ही हाई लेवल की बात हो जाएगी, वो ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ा जाता है। कुछ कुछ हमें स्पेक्ट्रम का यहाँ पे नाम लिखते हैं, आप लोग याद रखिएगा। कॉस्मिक रे पहला, कॉस्मिक रे, उसके बाद कॉस्मिक के बाद आ गया अपने पास गामा रे, फिर आ गया एक्स रे, फिर आ गया अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट के बाद जो आता है वो आता है विजिबल। अल्ट्रा वायलेट रे जो है ये इससे पहले का जितना यह है, चाहे वो कॉस्मिक हो गया, गामा हो गया, एक्सरे हो गया, सब कहाँ है, ओजोन लेयर से ऊपर। ओजोन लेयर जो होता है अल्ट्रा वायलेट रे तक, वहां तक रोक देता है, ठीक है। इसके बाद विजिबल रीजन हमारे अर्थ पे आते हैं, फिर आता है इंफ्रारेड, फिर जो आता है वो होता है माइक्रोवेव्स, फिर रेडियोवेव, माइक्रोवेव एंड देन रेडियोवेव। ठीक है, अगर हम बात करें इंक्रीजिंग की, एनर्जी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये सबसे पहले होता है कॉस्मिक, फिर गामा, एक्सरे, अल्ट्रा वायलेट रे, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो एक्टिव वेव, ठीक है। अगर इंक्रीजिंग की बात करो, एनर्जी की बात करो, तो एनर्जी जो होता है, एनर्जी वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी होता है, ठीक है। मतलब इससे कम एनर्जीज का, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, फिर सबसे कम किसका, रेडियो वेव का एनर्जी क्या होगा, सबसे कम। अगर हम लेमडा की बात करें कि वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे ज्यादा लेमडा किसका होगा, रेडियो वेव्स का, ध्यान में रखना, लेमडा सबसे ज्यादा और एनर्जी सबसे कम। इसी तरह से जो कॉस्मिक रे होता है इसका एनर्जी सबसे ज्यादा और लेमडा सबसे कम, क्योंकि हम लोग को पता है एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एच सी बाई लेमडा। तो जिसका एनर्जी ज्यादा होगा उसका लेमडा कम, आ सकता है, हाँ आ सकता है, बट हम लोग को दिखाई नहीं देगा, हम लोग को केवल विजिबल ही दिखाई देता है। हम तुमको इसका सोर्स भी बतला सकते हैं, सोर्स मतलब कॉस्मिक रे का कहां से आ सकता है, गामा रे कहां से आ सकता है। तो कॉस्मिक रे जो होता है ना, ये आउटर ऑफ द अर्थ स्पेस, मतलब जो अर्थ से ऊपर का जो लेयर होगा, अर्थ का जो लेयर होता है इसके ऊपर जो लेयर होता है वहां पे जो रेडिएशन होगा वो कॉस्मिक रे होता है बेसिकली। गामा रे का अगर हम बात करें तो दिस रे आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेडियो एक्टिव एटम्स, ठीक है। गामा रे जो है ये बेसिकली कहां पे आपको दिखाई देगा, रेडियो एक्टिव एटम जो होगा जब उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा, जब उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट वगैरह करेंगे, ठीक है, तो वहां पे आपको गामा रे दिखाई देगा। इसी तरह से अगर एक्सरे की बात करो तो दीज आर प्रोड्यूस बाय स्ट्राइकिंग हाई स्पीड ऑफ लाइट इनटू द हायर एटॉमिक मास एटम। एक्सरे कहां पे मिलता है, बेसिकली तुम लोग सुना भी होगा कि किसी का अगर फ्रैक्चर हो जाता है हड्डी वगैरह तो एक्सरे करवाते हैं,
एक्सरे में क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी के लाइट को हम लोग जिसका एटम पे गिराते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी के लाइट को एटम पे गिराते हैं जिसका एटॉमिक मास सबसे ज्यादा हो, ठीक है, वहां से आपको एक्सरे मिलता है। अल्ट्रावायलेट कहां से मिलता है, सन से, सूर्य भगवान अल्ट्रावायलेट रे देते हैं, ठीक है। विजिबल रीजन इज ऑल्सो कम्स फ्रॉम सन एंड इलेक्ट्रिक बल्ब एंड फ्लेम, ठीक है। विजिबल रीजन का जो लाइट है वो हमको इलेक्ट्रिक बल्ब से भी मिलता है, सन से भी मिलता है, जो कहीं पे फ्लेम वगैरह जलता है वहां से भी मिलता है, आग से भी मिलता है, आग जो फायर वगैरह हम लोग जलाते हैं वहां से भी विजिबल रेडिएशन मिलता है आपको। इंफ्रारेड हॉट बॉडीज, इंफ्रारेड जो हॉट बॉडी होगा, ठीक है, जो बॉडी को अगर तुम ज्यादा गर्म करोगे तो वो जो इमिट करेगा रेडिएशन वो इंफ्रारेड इमिट करता है। इसी तरह से माइक्रोवेव्स दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पार्क डिस्चार्ज। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के हमको रेडिएशन मिलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटमेंट होता है तो डिफरेंट डिफरेंट आपको स्पेक्ट्रम मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट आपको रेडिएशन मिलेंगे। क्या बोल रहा है आयुष, स्पार्क वगैरह मतलब, अरे जैसे कहीं पे जैसे टेलीफोन है, ठीक है, तो कहीं स्पार्क वगैरह हो जाता है ना, तो वहां से जो रेडिएशन निकलता है माइक्रोवेव्स, ठीक है, टेलीफोन सर्किट वगैरह सब में यूज होता है। तो थोड़ा थोड़ा कहानी समझ में आया क्या था आज का लेक्चर, आज का बेसिकली थ्योरेटिकल लेक्चर था। हम आपको लाइट के बारे में बतलाएं कि लाइट जो है वो ड्यूल नेचर का होता है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर दोनों। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक पढ़े वो पढ़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेसिकली चार्ज का ऑसिलेशन होता है, चार्ज जो है वो ऑसिलेट करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और ये प्रोपागेट करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव, इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताएं कि ये जो वेव होते हैं इसके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, लाइक पहला जो है वो वेवलेंथ होता है, कि अगर कोई चार्ज ट्रेवल करेगा इन द फॉर्म ऑफ वेव तो दो कॉन्जुकेटिव क्रस्ट के बीच में या दो कॉन्जुकेटिव ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। अगर एक सेकेंड में जितना क्रस्ट पास हो रहा है, जितना ट्रफ पास हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसीज बोलेंगे, ठीक है। फिर हम आपको बताया वेव नंबर क्या होता है, ना इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द वेव लेंथ। उसके बाद हम आपको बताएं स्पेक्ट्रम क्या हो रहा है, तो ये जो वेव ट्रेवल करेगा तो अलग अलग एनर्जी से ट्रेवल करता है, अलग अलग रेडिएशन होता है, तो अलग अलग रेडिएशन में आपको अलग अलग स्पेक्ट्रम मिलते हैं, इसी स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आ रहा था लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाशन सीरीज, इसी तरह से कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रीजन, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो एज कंपेयर आप कंपेयर कर सकते हैं इसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से। हाँ बोलो बोलो किशन, हेलो किशन, कुछ बोल रहे हो तुम। तो सभी सभी आदमी को, सभी स्टूडेंट को यहां तक क्लियर हो गया, पहले बताओ। हरी हाँ बोलो, हाँ हाँ बोल सकते हैं ना, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पेक्ट्रम होना है, अलग अलग वेवलेंथ का, इसका वेवलेंथ अलग होगा, है ना, सबसे कम वेवलेंथ इसका होगा, तो आपको इस वेवलेंथ फिर सबका एक वेवलेंथ डिसाइड किया गया है, बताया गया है, आपको बुक वगैरह में मिल जाएगा, उतना तो याद रहता नहीं किसी भी टीचर को, है ना, इस सबका वेवलेंथ तो याद रहेगा नहीं, बस नाम याद कर सकते हैं कि कॉस्मिक का सबसे कम वेवलेंथ होता है और रेडियो रेडियो वेव्स का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। और विजिबल रीजन का आपको वेवलेंथ पता ही होगा, विजिबल रीजन का वेवलेंथ कहां से कहां तक एग्जिस्ट करता है बताओ, कोई बता सकते हो? नहीं नहीं सेकेंड ऑर्बिट से नहीं, वो तो वेवलेंथ हम पूछ रहे हैं, 3800 से 7600 तक शायद, हाँ 7600 एंगस्ट्रॉम तक, 3800 टू 7600 एंगस्ट्रॉम तक आपका विजिबल
जो रीजन होता है इसका वेवलेंथ एग्जिस्ट करता है, तो अलग अलग स्पेक्ट्रम का अलग अलग वेवलेंथ होगा, ठीक है। इसी में बहुत सारे कलर आ जाते हैं, जैसे रेड का सबसे ज्यादा होता है, आप लोग पढ़े होंगे, बताए थे ना आपको विबजियोट। हाँ, वायलेट का वेवलेंथ इसमें सबसे कम यानी कि 3800 के करीब होगा, और रेड का सबसे ज्यादा यानी कि 7600 एंगस्ट्रॉम के करीब उसका होगा। हाँ, इसके बीच में बाकी सबका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो सभी को समझ में आया आज का लेक्चर, एक बार बोल दो यार सभी को। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट है आज के क्लास को लेके? नहीं है डाउट, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, अगले क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे क्वांटम थ्योरी के बारे में, और वहां पे दो तीन को टर्म समझाएंगे, और फिर आगे फिर बात करेंगे ना, अलग अलग बताए थे एक एक दिन में एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, एक टॉपिक पढ़ चुके, अब अगले टॉपिक में पढ़ेंगे क्वांटम थ्योरी, फिर डी ब्रोगली वेवलेंथ, हाइजेनबर्ग एंड क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और कंटिन्यू जैसे क्लास आ रहे हैं वैसे करते रहिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, बाय।